हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है हु इनवाइटेड देम। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है तो हम इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो एक डरावना सा सपना देखकर उठ जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम मार्गो और एडम को देख पाते हैं जो अपने नए घर लेने की खुशी में पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी मार्गो एक ब्लैक कार को नोटिस करती है जो काफ़ी दिनों से उनके खिड़की के बाहर दिख रही होती है और मार्गो को उस पर शक होता है, लेकिन एडम इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मार्गो और एडम को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स और कॉलिग्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और तभी एडम एक अननोन कपल गेस्ट को वहाँ पर नोटिस करता है जो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं। मार्गो की फ्रेंड जो कि मार्गो के बेटे का ख्याल रख रही थी उसके बेबी के नाइटमेयर्स के बारे में उसे बताती है। तब मार्गो उसे कहती है कि शायद उसका मंकी टॉय उसके पास नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। सब गेस्ट के चले जाने के बाद एडम और मार्गो उन दोनों कपल्स के बारे में सोचते हैं कि वो लोग कौन थे। तब वो दोनों कपल्स अचानक से मार्गो के सामने आ जाते हैं और मार्गो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं। तब एडम उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों को किसने इनवाइट किया। तब वो दोनों कपल्स उन्हें बताते हैं कि वो उनके नेबर्स हैं और वो दोनों उन्हें वॉर्न करने के लिए आए थे कि इतना शोर मत मचाइए। लेकिन वहां आने के बाद वो दोनों भी पार्टी में इंजॉय करने लगे और फिर टॉम और शाशा एडम और मार्गो को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टॉम और साशा ने जैसे मार्गो और एडम के ऊपर जादू सा कर दिया था, वो चारों आपस में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और पूरी रात एक साथ रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्गो की बेबी सिटर उसके हस्बैंड के साथ जब अपने घर जा रही होती है तब सडनली उनके कार के आगे कोई चीज़ आके टकरा जाती है, लेकिन जब वो पता करने जाते हैं तब वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम मार्गो और शाशा को ड्रग्स लेते हुए देखते हैं और फिर वो चारों ड्रिंक करते हैं और म्यूजिक लगाकर डांस भी करते हैं। और फिर बाद में टॉम और शाशा उन दोनों कपल्स के माइंड के साथ खेलते हैं और एडम टॉम से उसके घर के सीक्रेट शेयर करता है कि इस घर में एक अनहैप्पी कपल्स रहते थे और उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके ट्विंस बेबी भी होते हैं और मार्गो को ये सारी बातें पता नहीं होती है। और दूसरी तरफ साशा मार्गो के सीक्रेट्स निकाल लेती है और फिर साशा मार्गो के पास्ट के एक बैंड मेंबर के बारे में मार्गो से उगलवा लेती है जो शादी से पहले फ्रेंड हुआ करता था मार्गो का और शायद उसका एक्स भी था। और मार्गो ये भी बताती है कि एडम उससे बहुत ही ज़्यादा जला करता था और इसीलिए उन दोनों ने बातें करना बंद कर दिया और शायद इसी वजह से मार्गो ने उससे फ़ोन पर बातें करना भी बंद कर दिया था। और फिर बाद में साशा ज़बरदस्ती मार्गो को उससे फ़ोन पर बात करवाती है और फिर हम देखते हैं मार्गो की बेबी सीटर किसी की तलाश में निकल पड़ी है कि रास्ते में वो कौन सी चीज़ से टकराई थी। तब उसे एक घायल कुत्ता मिलता है। दूसरी साशा मार्गो के मन में बहुत सारे मतभेद एडम के खिलाफ भर देती है और इसी वजह से मार्गो और एडम दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं एक दूसरे से। साशा और टॉम दोनों के बीच में मतभेद पैदा करते हैं और एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं कि वो दोनों एक गेम खेलें और ये एक पंचिंग गेम होता है। तब एडम इस गेम के लिए नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है ये एक डोमेस्टिक वायलेंस है और वो मार्गो को हर्ट भी कर सकता है, इसलिए वो इस गेम के लिए राजी नहीं होता। लेकिन मार्गो साशा की बातों में आकर ये गेम खेलना चाहती थी। हम और साशा उनसे कहते हैं कि इस गेम को खेलने से तुम्हारी स्ट्रेस कम हो जाएगी। तब मार्गो जल्दी से एडम को हिट कर देती है और कहती है कि उसे अच्छा फील हो रहा है। जब एडम की पारी आती है तो एडम उसे मजाक में हिट करता है ताकि मार्गो को हर्ट ना हो। तब वो तीनों कहते हैं कि मार्गो जीत गई और एडम को उकसाते हैं। तब एडम मार्गो को हिट करने के लिए जाता है लेकिन मार्गो हट जाती है और एडम का हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और तब मार्गो एडम की बैंडेजिंग करती है। टॉम एडम और मार्गो को थ्रीसम का ऑफर देता है। तब मार्गो और एडम ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश हैं और इस ऑफर को रिग्रेट कर देते हैं। तब साशा चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है और वो वापस चली जाती है। एडम और मार्गो अपनी राय टॉम और साशा के सामने रखते हैं।
तब वो दोनों टॉम और शाशा को अपने घर जाने के लिए बोलते हैं। टॉम और शाशा इस बात का मजाक उड़ाते हैं और जगह ही नहीं छोड़ते हैं। तब एडम पुलिस को फोन करने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि टॉम ने उनका लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर दिया होता है। तब एडम को उन पर शक होता है कि ये कोई नेबर्स नहीं है और ये कोई बाहरी स्ट्रेंजर्स है जो अचानक से उनके घर में आ चुके हैं। तब एडम उन्हें वार्न करता है और घर से निकल जाने के लिए बोलता है, लेकिन तब भी वो नहीं सुनते। और फिर बाद में एडम को गुस्सा आता है और वो उसके सर पे बियर की बोतल मार देता है। और फिर बाद में शाशा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, हम तो बस जा ही रहे थे। और ये भी बताती है कि ये एक गेम था जो अपने हर नए नेबर के साथ खेलते हैं। उन्हें ये भी कन्विंस करवा देते हैं कि वो उनके नेबर्स ही हैं। और फिर बाद में एडम और मार्गो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो उनसे सॉरी बोलते हैं। और फिर टॉम और शाशा अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एडम जब अपने घर के अंदर आता है, तब देखता है कि शाशा की इयररिंग्स टेबल पे पड़ी हुई होती हैं। तब वो उन इयररिंग्स को शाशा के पास लौटाने के लिए जाता है। जब उनके घर के पास वो पहुंचता है, तब टॉम दरवाजे पर आता है और एडम से बातें करता है। फिर अचानक से एडम को कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और एडम ये पता करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टॉम उसे अंदर खींच लेता है। और फिर बाद में शाशा और टॉम मिलकर एडम के हाथ पैर बांध देते हैं। और फिर हम उस घर के रियल ओनर को देखते हैं जो कि एक ओल्ड कपल होते हैं। टॉम और शाशा ने उन्हें बांध कर रखा हुआ होता है। तब टॉम और शाशा अपनी रियलिटी एडम को बताते हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो उनका था और वो दोनों कपल नहीं है बल्कि ट्विंस सिबलिंग्स हैं। और उनके माँ बाप आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ते झगड़ते थे और उन्हें भी बहुत ही ज्यादा मारते पीटते थे। और तब वो दोनों ट्विंस ने अपने ही माँ बाप को मैनिपुलेट करके उन्हें मरवा डाला और उस गेम का नाम था बीट द बैर। और वही वो गेम होता है जो उन्होंने एडम और मार्गो को खिलवाया था। और वो ओल्ड नेबर कपल्स सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को बचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। टॉम और शाशा इसी बात का बदला उन दोनों से लेना चाहते थे, इसीलिए वो इतने साल बाद लौट कर आए जब वो बड़े हो गए। और फिर बाद में वो ये भी बताते हैं कि वो मार्गो और एडम पर नजर भी रख रहे थे ताकि उनके बारे में पता कर सके। शाशा एक चाकू लेती है और फिर बाद में उस बूढ़े आदमी का गला रेत कर उसे मार डालती है। और टॉम पिलो लेकर उस लेडी का मुंह दबाकर उसे मार डालता है। और वो दोनों एडम को नहीं मारते और कहते हैं कि वो दोनों एडम को बहुत पसंद करते हैं और एडम को वार्न करते हैं कि तुम भी मेरे माँ बाप की तरह मत करना वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जब मार्गो किचन में कुछ रखने गई होती है, तब उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो टॉम और शाशा का बर्थ डेट होता है। और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, वो समझ जाती है कि एडम किसी खतरे में है। और फिर बाद में वो टॉम और शाशा के घर पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से मार्गो अंदर नहीं जा पाती। तब मार्गो दूसरे दरवाजे से अंदर जाती है। तब तक एडम खुद को रेस्क्यू कर लेता है और वो वहां से भाग जाता है। और हम मार्गो के बेबी सीटर को देखते जो उनके घर तक पहुंच चुकी थी और वो टॉम और शाशा से टकरा जाती है। तब टॉम उसके चेस्ट में एक स्क्रू ड्राइवर स्टैप कर देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मार्गो उन ओल्ड कपल्स की लाश देखकर उल्टी करने लगती है। मार्गो की फ्रेंड अपने राइफल से उस घायल अवस्था में ही एडम को टॉम समझकर शूट कर देती है। और सीन शिफ्ट होता है और हम एडम को देखते हैं जो न्यूज सुन रहा होता है। और न्यूज में उन सिबलिंग्स की खबर चल रही होती है कि वो दोनों बहुत सारे कपल्स को मार चुके हैं। वो एक को ट्रैप करते हैं और दूसरे कपल्स को मैनिपुलेट करके उन्हें मरवा देते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन एक साइकोपैथ होते हैं और वो उन्हीं लोगों को जिंदा छोड़ते हैं जो उनकी नजर में परफेक्ट हो, जो उनके गेम को पास कर ले जाए। कि ये गेम वो हर रैंडम कपल्स के साथ खेलते हैं। वो पहले तो उन कपल्स को ट्रैक करते हैं, फिर बाद में उनके बारे में जानकारी हासिल करके उनके लिविंग लाइफ में घुस जाते हैं। और फिर बाद में यही गेम वो उनसे खिलवा कर उन्हें एक दूसरे से मरवा डालते हैं। मार्गो की फ्रेंड जो उसकी बेबी सिटर होती है, वो पूरी मूवी में सिर्फ उसके बेटे की मंकी स्टफ टॉय स्पूकी की तलाश में होती है जो एक्चुअली में मार्गो के घर में ही पड़ा होता है।
और हम उसे पार्टी में देख पाते हैं। फिर बाद में हम ये देख पाते हैं कि एडम अपने घर जाता है और मार्गो से बात कर रहा होता है कि तभी उसका म्यूजिक प्लेयर रुक जाता है और फिर एडम को लगता है कि टॉम फिर से आ चुका है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से हमें सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।